3 BHK house plan, and this is outside wall, 125 mm outside wall, and this is outside wall, this partition wall, 125 mm partition wall, 125 mm partition wall, okay, this is 125 mm partition wall, जो घर में 5 इंच का पार्टीशन वॉल और इंटरनल और आउटर बाहर का और घर का अंदर का जो वॉल है सब आपका 5 इंच का वॉल, अगर कोई भी वॉल आपको चेंज करके 10 इंच करना है तो आप उसको 10 इंच कर सकते हैं या 5 या 9 इंच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका घर का जो साइज वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है, और घर का साइज़ आपका ऐसे ही रखना है तो आपको 5 इंच का वॉल प्रोवाइड करना होगा, नहीं तो आप इसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर जो आप ही बिल्डिंग प्लान यहाँ पर बनाया है तो ये यहाँ पर 3 BHK हाउस प्लान है, 3 बेडरूम है यहाँ पर, तो उसके साथ डाइनिंग ड्राइंग किचन टॉयलेट एवरीथिंग हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो आप देखते रहिए प्लान। पहले देखिए ये जो है डोर यहाँ पर और इधर भी डोर यहाँ पर, ओके, तो डोर हमने ऐसे सेट कर दिया है जो आपको होना चाहिए एक साइड में, ऐसे ही हमने यहाँ पर सेट कर दिया है डोर, ओके। तो आप इसको देखिए, आप हो सके तो इसको थोड़ा सा चेंज भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ओके, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद इधर आपका आएगा मेन जो है, इधर आपका येलो कलर जहाँ पर हम रखेंगे, यहाँ पर आपका वेंटिलेशन और विंडो घर का आउटसाइड में आएगा। अगर आपको कोई भी बाइक या कोई भी गैरेज में बाइक रखना है तो आप इधर से बाइक अंदर ले सकते हैं, घर के अंदर स्टेयर के नीचे आप बाइक रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई बाइक या बाइसाइकिल है तो आप उसको रख सकते हैं, आपके पास कोई भी छोटा सा वाहन है तो आप उसको रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिए इसका साइज़ जो है 33 फीट और 33 फीट, ओके। नाउ स्टार्ट, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे घर का जो डिटेलिंग पे, ठीक है, डिटेलिंग कहाँ पर आ जाएगा, तो डिटेलिंग में जो आएगा इधर से एक आपका गेट हम प्रोवाइड करेंगे, इधर से हम एंट्री प्रोवाइड करेंगे, ओके, यहाँ पर अब हमारा आएगा लॉबी, ओके, तो लॉबी जो है 6 फीट 7 इंच वाइड का आ जाएगा, 5 फीट 3 इंच का आएगा, ठीक है। इधर जो है 3 फीट का लैंडिंग आएगा, लैंडिंग, और इधर 6 फीट 7 इंच आएगा, ठीक है, और स्टेयर इधर से आप 3 फीट एंड 3 फीट, नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट लिविंग कम ड्राइंग थर्टीन फीट टेन फीट फोर इंच, ओके। नेक्स्ट डोर बेडरूम स्टैंडर्ड साइज 11 फीट 9 इंच एंड 10 फीट 4 इंच, दिस इज विंडो एंड दिस इज विंडो, ओके, एंड वेंटिलेशन एंड वेंटिलेशन एंड विंडो विंडो एंड विंडो, ओके। नाउ दिस इज
dining hall and kitchen and 8 feet 4 inch and 9 feet and 9 feet Sixteen feet 5 inch door This is bedroom 9 inch 12 feet Okay And this is bedroom and 13 feet and this is 12 feet and door and toilet attached toilet 6 feet 7 inch and door common bath plus latrine 6 feet 7 inch and 10 feet okay and now column this is column तो आपको इसी एक रो पर कॉलम को रखना है और कभी कभी होता है पोजीशन वाइज कॉलम का पोजीशन भी चेंज हो जाएगा तो ये आपको ऐसे ही सेट करके रखना है क्योंकि इसका यही नियम है आप अगर कोई भी कॉलम चेंज करना है कोई भी पोजीशन पे कॉलम चेंज करना है आपको तो आप उस कॉलम को चेंज कर सकते हैं ठीक है तो हमारा जो बिल्डिंग प्लान है 33x33 तो आपका जो बिल्डिंग का कॉस्ट आएगा तो इसमें आपको 15 लाख तक आएगा कॉस्ट और कॉलम जो साइज है कॉलम साइज 10 इंच और 12 इंच ओके एंड वॉल वॉल वाइड 5 इंच एंड वॉल 5 इंच ओके एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो